जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, लोगों में एक उत्सुकता है, एक हलचल है लोगों के बीच कि आखिर बिजनौर से कौन इलेक्शन जीतने वाला है। और कई सारे लोग मुल्ला के चौराहे पर इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीर है। हाँ मोहम्मद समीर, कहाँ इलेक्शन चल रहा है इस वक्त बिजनौर का? इलेक्शन तो देखते हैं अब, शल्लू भाई का इलेक्शन चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो शल्लू भाई कौन सी पार्टी से हैं? शल्लू भाई हाथी से है। अच्छा, तो क्या उनका बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ है? शल्लू भाई बहुत ही अच्छा आदमी है और मतलब उन्होंने बहुत मेहनत भी करी है, 5 साल पूरा मेहनत करी है उन्होंने। क्या? और हमारा उनका पूरा हाथ बन रहा है, लोगों के बीच घूमे हैं, लोगों की मदद भी करी है और देखते हैं जिसकी भी हवा चलेगी उसे इंशाल्लाह वोट दे। वैसे फिर भी यहाँ पे किसका जोर चल रहा है ज्यादातर? ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि हाथी। और बाकी मुकाबले में कौन कौन है? बाकी मुकाबले में आपके ये रुचि मीरा। कौन सी पार्टी से हैं? आरएलडी। बीजेपी कहाँ है? बीजेपी का नहीं पता। और लोग हैं मेरे साथ। हाँ, क्या नाम आपका? स्टूडेंट होंगे जाहिर सी बात है। क्या नाम है? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। अच्छा, कौन सी क्लास में है? मैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर। वोट आ गया? जी। वोट आया हुआ आपका? जी। वोट है आपका? तो किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे आप? ये तो जो मैं देख रहा हूँ कि बिजनौर की जनता आपके जो पिछले 5 साल के अंदर शमशाद अंसारी जी ने आरएलडी से जो टिकट लेकर आए हैं, मैं जानता हूं कि उन्हें ही आपके वोट करेगी। उनको वोट करेंगे आप उनको वोट करेंगे पूरा परिवार? कौन से मोहल्ले के रहने वाले हैं? मैं मोहल्ला मिर्दगान। मोहल्ला मिर्दगान के? अच्छा, सिर्फ इस वास्ते कि मोहल्ला मिर्दगान के हैं कि और कोई शमशाद अंसारी ने ऐसा कोई काम किया? अंसारी ने पूरे 5 साल के अंदर जो बिजनौर की नगर पालिका को लखनऊ तक मुख्यमंत्री के 2 अवार्ड मिले हैं और बिजनौर नगर पालिका को दिलाए। अच्छा, तो फिर समाजवादी पार्टी से क्यों इलेक्शन नहीं लड़े हो, क्या वजह रही जब आप इतना जानते हैं शमशाद अंसारी के बारे में? वो कुछ और मुद्दे हो सकते हैं। तो आपकी आपकी नज़र में क्या है कि समाजवादी पार्टी ने टिकट उन्हें क्यों नहीं दिया? वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि खान साहब की वजह से। कौन से खान साहब? आजम खान साहब। आजम खान, क्या आजम खान ने क्या कर दिया? 16 तारीख तक शमशाद अंसारी का टिकट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनको सिंबल दे दिया, यहाँ पर आकर के उन्होंने नॉमिनेशन भी करा लिया। फिर शाम को खबर आ रही है कि शमशाद अंसारी का टिकट कट गया, क्योंकि किस दबाव में? क्योंकि खान साहब वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के। तो खान साहब को उनसे क्या दुश्मनी थी शमशाद अंसारी से जो उनका टिकट कटवा दिया? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पूछा कि क्या दुश्मनी थी। एक पूरे उत्तर प्रदेश, आपने आजम खान को बीच में लिया ना? जी, आजम खान को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब शमशाद अंसारी का टिकट हो गया क्योंकि और किसी के बस की बात तो नहीं थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोहर लगा दी थी शमशाद अंसारी के ऊपर। जब कुछ लोगों ने मैडम के पिन मारी कि वहाँ जाइए, कभी मैडम दिल्ली कभी राम। कौन सी मैम? रुचि वीरा। अच्छा अच्छा, रुचि वीरा। मैं तो खुला कह रहा हूँ, कोई किसी का डर थोड़ी पड़ा है। तो रुचि वीरा के लेबल का इलेक्शन है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। कौन लड़ रहा है उनकी तरफ से? उनके जी जी, आ जाइए आगे, आ जाइए पीछे से मत बोलिए, नौजवान को आगे आगे बोलना चाहिए। जी बताइए जी, अगला चुनाव उनका प्रधानी का है? अगला चुनाव मैडम का प्रधानी का? ये नहीं पता कि कौन सी पार्टी से है। पब्लिक दिमाग पे जोर लगा रही है कि वो कौन सी पार्टी से लड़ेगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी से भी लड़ सकती है, बीजेपी से भी लड़ सकती है और वो कोई सी भी पार्टी कांग्रेस से भी लड़ सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो पार्टी इधर उधर आपको पता ही है, आप तो देख ही रहे हो। अच्छा, पार्टी बदलती रहती है। तो इस बार क्या रुझान है, किसका किसकी हवा चल रही है? आरएलडी आई थी। आरएलडी। अच्छा, क्या वजह रही कि? जी जी, नाम शाहिद मलिक है जी। मैं शहबाज चौखाना बिजनौर से हूँ जी। वोट है आपका बिजनौर में? जी जी, जो भी आया है जी। और भी चेयरमैन ही देखी है, पहली बार जो पिछली बार जो चेयरमैन रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। जैसे कोविड टाइम में शमशाद भाई ने काम किया है। अच्छा, पब्लिक का क्या? शमशाद अंसारी भाई का गुरु भाई का पूरा ये खड़ा हुआ? और अच्छा, मैं तो अच्छा नहीं आया भी नहीं था, मैं तो अभी इसी साल आया हूँ। अच्छा अच्छा, काम किया है? उन्होंने काम किया है, मोहल्ले के अंदर काम किया है और जहाँ पानी भरा जाता है वहाँ जा करके वहाँ अपने सामने सड़कें बनवाई। अच्छा, तो आपका वोट शमशाद अंसारी को जा रहा है? मेरा जो शमशाद अंसारी को जा रहा है। अच्छा अच्छा, जी जी बताइए। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी प्रत्याशी है, जितने भी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, शमशाद अंसारी ने वहाँ तक की सारी सड़कें बना दी, ये बहुत उनके लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए, एडवांस में मेरी तरफ से मुबारकबाद। कुछ और कहना चाह रहे हैं भैया? बताइए बताइए, आ जाइए। जी जी जी, नाम बताइए। हम शमशाद अंसारी के चेहरे को वोट दे रहे हैं, पार्टी वोट नहीं दे रहा। चेहरे को? चेहरे को वोट देगा इस साल। अच्छा, आप लोग सब विकास कर रहे हैं, सड़कें बनवाई और लॉकडाउन में। अच्छा, जब इतने विकास किए हैं तो फिर समाजवादी पार्टी ने टिकट वापस क्यों ले लिया? जब आजम खान से पूछो जाके। आजम खान जी, आजम खान जी, आजम खान जी।
आजम खान की क्या दुश्मनी है भाई? आजम खान से क्या हुआ है? आजम खान से मिले आपको भी? अच्छा रुचि वीरा मैडम से मिले कभी? स्वाति मैडम से मिले कभी? अच्छा जो बसपा से खड़े हैं उनसे मिले? शमशाद साहब से मिले हैं? अच्छा शमशाद साहब ने काम कराया लॉकडाउन में एनआरसी में पिटे हुए? अच्छा एनआरसी के मामले में सिविलियन में? आपके लिए पुलिस से बता कौन आया उसमें? अच्छा अब अच्छा नया नया नौजवान बहुत सारे कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बताइए कैमरे पे देखे बताइए नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद उवैस है। मेरा नाम मोहम्मद उवैस जी। कहाँ कौन से मोहल्ले के रहने वाले हैं? मैं चांदपुर चुंगी सिद्धनी रोड। चांदपुर चुंगी, बताइए यहाँ चाय पीना आए थे बुल्ला के चौराहे पे, कैसे घूमने आए थे? सर रात में आते रहते हैं। अच्छा रात में आते रहते हैं, ये ठिया है पूरा आप लोगों का? हाँ रात में जब फ्री होते हैं तो चाय पीना आ जाते हैं। अच्छा क्या रुझान चल रहा है बिजनौर की अगर बात करें इलेक्शन की? देखिए बिजनौर या नगर निकाय चुनाव जो होते हैं वो आपको भी मालूम है और सबको मालूम है कि चेहरे का चुनाव होता है, पार्टी का चुनाव नहीं होता। 2012 का चुनाव फरीद भाई जीते, निर्दलीय जीत गए एक चेहरे के आधार पे। अब सिंबल पार्टी देने लगी, पहले पार्टी सिंबल नहीं देती थी, समर्थन ही देती थी, अब सिंबल इतना अहम क्यों बन गया? अब इसमें सिंबल अहम हो सकता है किसी भी शख्स के लिए, लेकिन अगर कोई शख्स 5 साल मेहनत करके विकास कार्य कराए, अपने ऊपर लाठी डंडे खाए, 13-14-15 मुकदमे लगाए, तो फिर वो शख्स जनता की नजरों में हीरो। काफी जानते हैं आप शमशाद अंसारी के बारे में? जी मैं काफी जानता हूँ, मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरे पड़ोसी हैं। अच्छा आपके पड़ोसी भी हैं? जी मेरे पड़ोसी। अच्छा अच्छा पड़ोसी जबकि बुराई करता है लेकिन आप तारीफ कर रहे हैं। आपके यहाँ की मिर्दगान की जो बाहर वाली मस्जिद है जी, जी। वहाँ की सड़क क्यों नहीं बनी आज तक? वहाँ पानी भरा जाता है, बरसात में पानी भर जाता है पूरा। बाहर वाली मस्जिद से बाहर वाली मस्जिद से मेरे साथ कब बनी? अभी पीछे बनी है, अभी बनी होगी ना, हमेशा वहाँ पानी है। पूरे शहर में आप नगर पालिका का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, लगभग मेरे अंदाज में जो मुझे मालूम है वो आंकड़ा, वो 700 से ज्यादा सड़कें बनाई, तो समय तो लगता है 5 साल में भी, 3 साल समय का, जो 2 साल तो आपको पता है वैश्विक महामारी चली, कोरोना जैसी एक बड़ी महामारी चली उसमें गुजर गए बच्चे, 3 साल में 700 सड़कें बनवाना एक बहुत बड़ा अपने आप में काम, और यह हर कोई शख्स मुमकिन नहीं कर पाता। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक अकेली नगर पालिका बिजनौर ऐसी नगर पालिका है, 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार राष्ट्रपति महोदय से अवार्ड नंबर 1 का हासिल करने का प्राप्त है। तो ऐसा शख्स अगर कोई काम कर रहा है। अच्छा आपके यहाँ से रुचि वीरा भी विधायक रही, क्या उन्होंने 545 करोड़ रुपए के काम बताती हैं, उनके ढाई साल में कराया है? देखिए तो उनसे 545 करोड़ नेता है, एक बड़ी नेता है, लोकसभा लेवल की नेता है, विधानसभा लेवल की नेता है, और उनको शोभा देती है लोकसभा और विधानसभा। अब तो आप खुद थोड़ी लड़ रही हैं, अपनी बेटी को लड़वा रही हैं। देखिए बेटी को उतारना या खुद उतारना, मेहनत तो मैं खुद ही कर रही हैं। शल्लू साहब के बारे में क्या कहना है? उनकी वाइफ भी खड़ी हैं, वो भी न्यू है, उनको भी आपको चांस देना चाहिए। सीधे इंसान है, चला नहीं पाने के नगर पालिका। राजनीति कभी कभी सीधे लोगों को खा जाती है। बहुत गहरी बात इन्होंने कही है इस वक्त, और जी जी ये उनके फेवर के लग रहे हैं जी। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, नाम बता के कैमरे में बताइए, नाम बताइए मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले हैं? चाशीरी के रहने वाले हैं। क्या रुझान है आपके हिसाब से, कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है? शल्लू भाई बीएसपी से। क्यों शल्लू भाई को चुना आपने? क्या किस तरह से कुछ बताइएगा आप? हर तरीके से ही मोहल्ले लगा रहे हैं। बीरबल जी की पत्नी खड़ी हुई है इंदिरा सिंह जी, उनमें क्या बुराई है? उनसे मिले आप कभी? नाम सुना उनका? डॉक्टर बीरबल का भी नाम सुना है? किस लिए फेमस हैं डॉक्टर बीरबल साहब? नाम सुना है आपने। आपके यहाँ कन्विंसिंग करने कभी आए हैं? वजह क्या है बता सकते हैं कि बीजेपी मुस्लिम क्षेत्रों में कन्विंसिंग नहीं करती जल्दी से, क्या वजह है इसकी? इतने सारे मुस्लिम चेहरे खड़े हैं तो क्या मुस्लिम वोट तो मिलने ही नहीं सर? क्यों? सच चीज़ की फैसिलिटी है, अनाज दिया है बीजेपी ने आपको, लॉकडाउन में भी दिया है वैसे भी दिया है, तो फिर बीजेपी से ऐसी क्या नाराजगी? नहीं हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं है, मगर जो बड़े नेता होते हैं वे इन्हें छोटा चुनाव शोभा नहीं देता। किसकी बात कर रहे हैं आप? कोई भी हो, ज्यादा छोड़ देना भाई, एमपी का चुनाव लड़ने वाले हो, एमएलए का चुनाव लड़ने वाले हो, जिला पंचायत बड़े चुनाव लड़ने वाले हो, और एक नीम लिया चैनमानी लड़ने लगे तो इन्हें शोभा नहीं देता। दूसरी बात यह है कि जो वोटर है शहर का, विकास जिसे पता है कि विकास हो रहा है नहीं हुआ शहर के अंदर, तो वही तो जानते हैं। जैसे गांव के आगे वे कह रहा है कि चुनाव इसका लड़ाओ, तो वो गलत बात है भाई। शहर की जनता को पता है, आम जनता शहर की में रहने वाला वोटर, मैं शहर का चांदपुर की चुंगी का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा चांदपुर की चुंगी काफ़ी है यहाँ पे, क्या बात? ठेका है उनका? अच्छा चाय पीना है, आप दिखाई देगा मैंने, चलो दो बात आपसे भी हो जाए। ये होता है कि
जो वोटर होता है वोटर ही चुनेगा, मेंबर चुने या चेयरमैन चुने। तो चांस तो नए लोगों को देना चाहिए, आपको नहीं लगता कुछ नए चेहरों को देना चाहिए? जैसे तीन दो साल लॉकडाउन में स्वाति वीरा भी जो है चेहरा युवा है, वो भी पढ़ी लिखी है, मगर पुराना व्यक्ति काम न करे, काम न करे। अगर जो पुराना आदमी काम नहीं करे, जैसे 400 सड़के बनाई संसाधन सारी ने, ये 700 बता रहा था आप, 300 माइनस होंगे, 400 से ऊपर ही है, 700 नहीं है, 400 से ऊपर लगभग है, मगर ऐसा नहीं है कि कोई जगह रही हो जहाँ इनके पैसा ही नहीं आया हो तो सड़क रह गई हो, नहीं रही नहीं इनके। अच्छा नुमाइश का ठेका वेका कैसा कराया उन्होंने? नुमाइश का ठेका महंगाई रही क्या सस्ताई रही? तो ये चली रही जब से सरकार बदली है। कोई एक शिकायत बता दी है? शिकायत तो हर आदमी की रहती है, अगर जो घर में 5 बच्चे होते हैं उसे बराबर पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते। बस पसे जुड़े हुए एक साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आगे हुआ जाए। मैं किसी पार्टी से? अच्छा बता दीजिए फिर भी अपने बारे में, काफी राजनीति से मैं देखा है आपको जुड़े हुए हैं, क्या नाम आपका? नहीं मैं अभी किसी पार्टी में नहीं हूँ। जी जी नाम बताइए, जो नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम फुरकान अहमद है और पहले मैं गाँव में रहता था जंदरपुर जी, अब फिलहाल मैं काजीपाड़े में रह रहा हूँ। अच्छा काजीपाड़े में किधर रहते हैं? काजीपाड़े में मैं रहता हूँ, कलीम कॉलोनी में। अच्छा क्या मुद्दे इस बार के चुनाव को लेकर चल रहे हैं? और हर बार वैसे एक क्वेश्चन होता है मीडिया की तरफ से भी कि चुनावी मुद्दे क्या हैं, लेकिन जो इलेक्शन लड़ाया जाता है वो बिल्कुल हटके होता है, कहीं राजनीति उसमें धार्मिक हो जाता है, कहीं सांप्रदायिक हो जाता है, तो इसमें क्या है? एक छोटा चुनाव है ना, इस चुनाव से किसी की सरकार बन रही है ना बिगड़ रही है, लेकिन मूछ तो झुक रही है, मूछ तो नीचे आ रही है, लेकिन बात मूछ की भी इसमें नहीं है, बात इसमें यह है कि लोकल लोगों का चुनाव है, बिजनौर की आम जनता का चुनाव है, तो इसमें मौका आम जनता को ही मिलना चाहिए। बीच का आदमी कोई भी देहात क्षेत्र से अगर चुनाव लड़े, मान लो मैं वोट बनवा के चुनाव लड़ूँ, मैं रहता हूँ गाँव में, ये मैं बड़ा लीडर हूँ, तो इसमें लोकल लीडरशिप को ही मौका देना चाहिए, चाहे सल्लू भाई हों, चाहे फरीद भाई हों, या जो भी बिजनौर के लोकल हों जिन्होंने चेयरमैनी के लिए दावेदार थे वो, लेकिन एकदम से आना और एक पब्लिक के ऊपर कुछ थोपना, पुरानी बातें बताना कि भाई ये क्या है, तो इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, इसमें लोकल स्तर पर चुनाव होना चाहिए। आपके हिसाब से देखिए मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप मुझसे अगर कुछ बात होगी तो मुझसे अलग में बैठ के ना आप एक घंटा मुझसे बात करिए, कुछ नहीं है, अभी जितना वो पूछ रहे हैं मैं उतना जवाब दे रहा हूँ। देखिए सीट बात कहने की है कि देखो निकलना और ना निकलना, ये अगर भाई साहब लिख के देते तो जिसे ये कहेंगे हम वोट दे देंगे, लेकिन ये लिख के देते हैं सीट और ना निकलना और ना निकलना, ये ऊपर वाले के हाथ में होता है। फिलहाल मुद्दे क्या है? ये है कि मेन आदमी को नेता चुनना होता है, वो नेता जो आपके लिए किसी भी टाइम किसी भी वक्त अवेलेबल हो सके। देखो नेता बनना बहुत बड़ी बात है और चुनाव जीतना बहुत आसान बात है, चुनाव मदारी भी जीत जाते हैं, बहुत लोग आते हैं चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन वो नेता नहीं बन पाते, तो नेता वो होता है जो आम जनता की आवाज़ उठाता है। मैं किसी का नाम पर्सनली नहीं ले रहा हूँ, बहुत आदमी चुनाव लड़ रहे हैं इसमें नेता भी हैं, लेकिन नेता वो है जो कुछ अभिनेता भी हैं, कुछ अभिनेता भी हैं भाई, पैसे वाले लोग भी हैं, लेकिन नेता का मतलब है कि पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ना, डायरेक्ट मतलब उसके जो पेशा होना चाहिए। आपके हिसाब से कौन इस वक्त सशक्त है जो चेयरमैन बनने लायक है या चेयरपर्सन बनने लायक है? देखो बात आपके हिसाब से, आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, एक आम पब्लिक की बात है, जो आम एक आम पब्लिक की बात है कि आप किसी भी बिजनौर नगरवासी से, आप किसी भी XYZ से यही पूछिए कि वोट का हकदार कौन है, वो खुद अपने आप में एक जवाब दे देगा कि वोट का हकदार कौन है। तो आपसे तभी तो पूछा, आपसे तभी तो पूछा मैंने, आप इलेक्शन नहीं लड़ा रहे किसी को? नहीं वो जो मैं माहौल देख रहा हूँ, इलेक्शन तो मैं अभी किसी को नहीं लड़ा रहा हूँ, लेकिन माहौल जो मैं देख रहा हूँ तो हर आदमी कोई भी आदमी ये कहने को तैयार नहीं है कि भाई जो मौजूदा चेयरमैन है उसने विकास नहीं किया, किसी का फ़ोन नहीं उठाया, किसी के घर में शादी हुई तो टैंकर नहीं पहुँचा, मतलब किसी के नाली नहीं, जो छोटे स्तर का काम होता है, जो एक नाली का सड़क का काम होता है वो लोकल लीडर को ही करना चाहिए, उसमें बड़े लीडर अगर कहाँ तक सहमत हैं आप उधर से बोल रहे थे, कहाँ तक सहमत हैं इनकी बात से कि शमशाद अंसारी ने काम नहीं कराए? एक बात समझ में नहीं आ रहा है हमें, तो सीधी बात है, हमें ऐसा एक नेता चाहिए जो हमारी बात सुन सके और हर तरीके से मजबूत हो सके, ठीक है। अब ये भाई जो ये कर रहे हैं, अगर किसी की पार्टी को ये लड़वा रहे हैं तो मुझे भी साबित करके देवे कि वो पार्टी वो जीत रहा है। हमें अब दूसरी बात ये कि ये जो है ये चुनाव जो चल रहा है भैया सपा और BJP का चुनाव है, हमें वो हमें जो कैंडिडेट ऐसा चाहिए जो भाई साहब हमें जो है जो BJP को हरा सके। तो स्वाति वीरा ऐसी कैंडिडेट हैं, स्वाति वीरा ऐसी कैंडिडेट है जो
बीजेपी को हरा सकते हैं। जी जवाब दीजिए भैया, क्या कह रहे हैं? देखिए ये जो भाई साहब बोल रहे हैं, भाई साहब हमारे कोई वो नहीं है। 2012 में भी इन्होंने वादा किया था कि हम बीजेपी को हराएंगे, 2017 में भी इन्होंने वादा किया था कि हम बीजेपी को हराएंगे, 2022 में भी इन्होंने किया कि हम बीजेपी। कौन कौन सी पार्टी की तरफ से लड़े? अब ये पार्टी ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े बदलते हैं। आप भाई बताओ, सारा ठेका क्या हमने, सारा ठेका कोई हमने नहीं ले रखा? कोई सब आप एक मिनट ठेकेदार बन जाइए, आप एक बार ठेकेदार तो बन के देखिए। देखिए ठीक है, मुसलमान ने नहीं रखा कि बीजेपी जीते या सपा जीते या लोकदल जीते, कोई नहीं जीते। ठीक है हमने नहीं ले रखा, क्यों? 2012 से हमारे चले आ रहे हैं, बीजेपी तो नहीं आ रही भाई। 2012 से यही उम्मीदवार कंटिन्यू हमारे बीच आ रही है और कह रही है कि हम बीजेपी को हरा रहे हैं। अरे भाई एक बार तो हरा के दिखा दो हमें, हम मान जाएंगे। नया उम्मीदवार ला दो जो इसे हरा सके। हाँ भैया क्या बता रहे हैं, जवाब दिए इनकी बात। कहाँ तक हम बिजनौरी हूँ, मैं किसी पार्टी से। कहाँ तक सही कही इन्होंने बात? भैया हमारी जो राय है रोटी मिला की है जी साइकिल। अच्छा बेटी में लड़ाई हुई थी मुस्लिम हिंदू, हाँ मुसलमान भाई जमात का पता होता वो रोटी मीरा अपने घर पे ले गई थी दफ्तर पे, इन्होंने तारी बना बना के खिलाई थी। अगर हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ दें तो विकास की बात को छोड़ दें, हम तो भाई भगोने में है भैया, छोटा सा भगोना था। अच्छा और कई सारे हमारे जो मैरिज हॉल में थे हमारी जमात लाइन जो 30 जमातों में, वो 1 किलो भगोने में सब सारी पकौड़ी हो जाएगी। कोरोना एपिडेमिक का टाइम। अच्छा घरे पकौड़ी खिलाई थी, आपने देखा होगा फोटो आपके पास। एक किलो का था वो आपने फोटो है इनके पास होगा, इनके पास नहीं इनके पास है, वो चल रहा था, वो चल रहा था, वो चल रहा था, किसी बेस पे तो वो चल रहा था, आप मुझे दिखाइए वो सबको दिख रहा था। ऐसे कैसे दिख रहा है? मगर बात नहीं मिला करते। नहीं आपके हिसाब से कितना था वो, कितना मटेरियल था जब ये चीज है ना? एक बात दिल बढ़ाना चाहिए, दिल बढ़ाना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मेन उसने खिलाया आप खिला देते, आप इतने बड़े चोरी खिलाया आपने, हमने खिलाया नहीं दिखाया थोड़ी है, क्या सबूत है? सबूत नहीं रखते अपने पास, बोल रहे हो हम सबूत नहीं रखते, हम तुम्हारा सब, हम इनका सबूत रखते हैं। आप क्यों बोल रहे हो बताइए मुझे, आप चुनाव लड़ रहे हो क्या? हम चुनाव लड़ रहे हैं, एक बहस लड़वा रहे हैं, सब लड़वा रहे हैं। हां कैसी स्थिति चल रही है, किसकी चल रही है? सब साफ दिख रहा है आपको ही पता है क्या दिख रहा है? आपके राय, आपकी राय रोटी मीरा चल रही है, रोटी मीरा है जी, रोटी मीरा का मामला है जी भैया जी। कहाँ तक सहमत है? शमशाद अंसारी चेयरमैन साहब भी है, उन्होंने भी काम करा है, लेकिन जिसकी सीट निकल रही है वहीं को सब डूल जाओ ठीक है। अच्छा ऐसा है कि भाजपा बीजेपी 110% निकलेगी, चेयरमैन बनेगा बीजेपी ही बनेगी। भैया अगर तुम इस बात को कह रहे हो तो पहले लोग, अच्छा वोट कटवा किसे मानना है इस पूरे इलेक्शन में, वोट कटवा किसे मानना है? पहले वोट काटना, पहले लोकदल से, यहाँ पर सबसे पहले खान जबर सुल्तान साहब ने लड़े थे लोकदल से, मेरे भाई साहब चेयरमैन बन गए, फिर हमारे डॉक्टर नीरज चौधरी साहब चेयरमैन बन गए, नवील भाई डॉक्टर नीरज साहब यहाँ पर जो है वो जीत चुके हैं ठीक है, फिर उसके बाद हमारे ये जो जयप्रदा जी थी वो भी इसी से लोकदल से जीत चुके हैं। अब शमशाद अंसारी की बात है भाई साहब, अच्छा विकास नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ, क्या विकास है मुझे? कौन से मोहल्ले के रहने वाले हैं? मेहनत करी है शमशाद चेयरमैन ने, मेहनत करी है, लोगों का साथ दिया है, एनआरसी में लोगों का साथ दिया है, लोगों को उठा के लगा खुद नहीं, मेहनत करी है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि चेयरमैन साहब ने मेहनत नहीं करी। हाँ बताओ नौजवान है कई सारे बोलना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, पीछे वाले भाई को बुला रहे हैं, आप खुद खुद ठानो, आप तुम बताओ, चलो मेरे साथ देख लो, मेरे साथ चलो, कहाँ चलो बताओ, हेलो भाव भाई चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब गए हैं चौके में जाने, नेता नहीं बने आता, मैं चलूं थाने चौके में आपके साथ, चलो मैं चल रहा हूँ, मैंने तो कोई खाना टोक के बताओ ना, सड़के कितनी बने, 500-700 सड़के बनाई, तो वो तो सबको पता कितनी बनी, आने वाली इन जैसे लोग हो। अब मुद्दे क्या है, अब मुद्दे क्या है भैया, आएंगे भैया बताएंगे आप बताएंगे, अब मुद्दे क्या है इलेक्शन में, मुद्दे क्या है, किस चीज को लेकर इलेक्शन लड़ रहे हो? ये बोल रहे सर खड़ा है, हाँ मेडिकल कॉलेज के, आइएगा आइएगा, नाम बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर सुरेश जी, इस बार के इलेक्शन के मुद्दे क्या हैं? हाँ ये बात मेन चीज़, हाँ मेन चीज़ ये है कि मुद्दे क्या हैं? मेन चीज़ ये है कि पूरे शहर का पानी की निकासी जीरो,
जीरो है। आप सब देखते होंगे जब बारिश होती है तो भाई साहब तगड़ी तगड़ी घोटे घोटे पानी भर जाता है। दिल्ली बंबई में भी ये हाल है, बुरा हाल है। सबसे ज्यादा मुद्दा है पानी की निकासी, सही जगह सही स्थान ढूंढना, चिन्हित करना और उस पानी को पूरे शहर को वाली जगह डालना। दूसरा मुद्दा है गंदगी। आप देखो हमारे शहर में कितनी गंदगी है, हर नाली खुली है, मच्छर लगते हैं मुख्य लोग। पहला मुद्दा यह है कि अंदर इधर आ जाओ तुम।